अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद संजय काकड़े और गुजरात के पाटीदार नेता जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात में बीजेपी की हार का दावा किया है। गुजरात में हम लोग 22 साल से हमारी सत्ता वहां पे है। अभी इलेक्शन में अगर हम लोग चुन के आते हैं तो हमारी सरकार 27 साल हमारी सरकार वहां रहेगी। ये 27 साल एक पार्टी की सत्ता आज तक इंडिया में किसी की भी नहीं हुई। आप देखते हैं जब गांधी फैमिली और नेहरू फैमिली जब टॉप पे थे तभी भी वो यूपी को 20 साल से ऊपर ज्यादा सत्ता उनकी रही नहीं है। निगेटिव फैक्टर हो जाता है, निगेटिव फैक्टर में मेजर रोल पुरानी नई पार्टी आ जाती है सामने उभर के। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पक्ष गुजरात में आ सकती है। इस निगेटिव फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, इस वजह से मुझे लगता है वो नहीं आ पाएगी। करीब करीब 8 से 10 बूथ में मशीनों की गड़बड़ी हुई, मशीनें बंद हो गई, 1 से 3 घंटा तक वहां पर मतदान रुका। यहां का जो बूथ है वो सेंसिटिव है, वहां पे कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, कुछ एजेंटों ने हंगामा किया था, इलेक्शंस को रोकने की कोशिश की थी। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, हमने भी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन किया था। तो आज वहां पर दोबारा चुनाव हो रहे हैं, बोल बकवास है, नॉनसेंस है। हर कीमत पे भाजपा आगे कुछ भी कर रहे, पेरिस के एफिल टावर पे चल के जंप लगा दे, 80 से ज्यादा एक भी सीट नहीं आ रही। इस बार भाजपा की सरकार नहीं बन रही।